दोस्तों आज बटलर के प्रचंड प्रहारों को देखकर कमेंटेटरों ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली। बटलर के स्ट्रोकों में उनका गुस्सा, पिछले मैचों की नाकामी की हताशा साफ दिखाई पड़ी और इस राजस्थानी ओपनर के कुछ शॉट एकदम आंख खोल देने वाले रहे। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो आज मैच हुआ दोपहर को, उसमें राजस्थान रॉयल्स जीती और इसमें बहुत बड़ा हाथ था जोस बटलर का। बटलर का एक प्रचंड शॉट तो इतना करारा रहा कि लॉन्ग ऑफ पर भीतर की ओर एकदम बाउंड्री पर खड़े फील्डर को भी गेंद रोकने का मौका नहीं मिला। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दिल्ली के मुकाबले का पहला सेशन पूरी तरह से इंग्लिश ओपनर जोस बटलर के नाम रहा। जोस बटलर हैदराबाद पर मानो किसी ऐसे भूखे शेर की तरह टूट पड़े जो बहुत दिनों से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। और ये सच भी है क्योंकि बटलर के प्रदर्शन में निरंतरता गायब रही थी और अगर वो इक्का दुक्का अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे तो जमने के बाद आउट हो जा रहे थे। बहरहाल रविवार को बटलर का गुस्सा हैदराबाद के गेंदबाजों पर टूटा और मानो उन्होंने पिछले मैचों की नाकामी की भरपाई कर दी। साथ ही बटलर ने एक बार फिर से बताया कि उन्हें क्यों इतना आला दर्जे का बल्लेबाज माना जाता है। बटलर ने 64 गेंदों पर 11 चौकों और 8 छक्कों से 124 रन की गुंजायमान पारी खेली, जिसके शोर में तमाम आलोचनाओं ने दम तोड़ दिया। वहीं लॉन्ग ऑफ हो या मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए फ्लैट छक्के ऐसे दर्शक में जाकर गिरे कि कमेंटेटरों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। इस ओपनर ने हैदराबाद के गेंदबाजों की ऐसी जमकर कटाई की जिससे वे लंबे समय तक नहीं भूलेंगे, लेकिन राजस्थान को बटलर की फॉर्म के रूप में वो बटर हाथ लग गया है जिसकी उसके पिछले लंबे समय से तलाश थी और इसका असर आने वाले मैचों में भी दिखाई पड़ेगा।